पानीपुरी खत्म, टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी। गाइस पानीपुरी खत्म, मेरे बच्चे यार हेलो गाइस, मेरा स्टॉल नंबर 16 है और यहाँ पे ये है और ये काफी हेल्प कर रहे हैं, मेरा बच्चे बलून से क्या लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, अभी वो लगा रहे हैं और अभी बाकी ये लगाना। हाँ, और थैंक्स टू यू मेरे को टेबल देने के लिए। पता है मेरा टेबल सारा गायब हो गया था यहाँ से, ये सब कुछ ये इन्होंने यहाँ लगा के रखा हुआ था, फिर इन्होंने मुझे दिया, थैंक यू। कहाँ पे लगाओगे बलून, ये आगे लगाओगे ना, लगा दो नहीं दे। सो गाइस, मैंने इस बार लगाया फिर से पानीपुरी का स्टॉल और इस बार मैं सेल कर रही हूँ 8 फ्लेवर्स ऑफ पानीपुरी। लास्ट टाइम 1 फ्लेवर किया था और उसके लास्ट टाइम 5 फ्लेवर किया था, तो मैंने इस बार 8 फ्लेवर किया। क्या क्या फ्लेवर है मैं बताऊँगी आप लोगों को। और अभी मैं अपना स्टॉल सेट कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ऑलरेडी, तो बहुत जल्दी पैसे में कर रही थी मैं। सो गाइस, मैंने इस बार लिया है टोटल 8 फ्लेवर्स। ये है पुदीना, इमली, लहसुन, अदरक, नहीं ये लहसुन, और ये कौन सा फ्लेवर था, इमली, धनिया, और ये मैं भूल जा रही हूँ, ये खट्टा मीठा, और ये मेरे बच्चों ने सजाया है, प्रीति और अपर्णा, थैंक यू। बलून्स वगैरह मैं कुछ नहीं लाई थी, कुछ इतना सजाने का आइडिया नहीं था। देन मिसेस और पता है गाइस क्या हुआ, मैं बहुत लेट आई और यहाँ से मेरा टेबल वगैरह सब कुछ गायब था, तो आके मतलब मैं रो पड़ी, मतलब कुछ भी नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं मतलब उसी टाइम फोटो सेशन चल रहा था, मैं मतलब फिर जाके इन्होंने हेल्प की, उन्होंने अपना टेबल मेरे यहाँ पे ला दिया। और गाइस ये मेरा पूरा सेटअप हो गया, धीरे धीरे कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गया है, और ये कि बेचारी मेरी हेल्प कर रही है और वो अपना भागे भागे आ रही है, वो मुझे पुचका फोड़ेगी। और यहाँ पे मैं ये आलू सेट कर रही थी और कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। पहले कस्टमर्स ये काव्या लोग हैं तो फिर स्टूडेंट्स हैं मेरी अभी, तो मैंने अपना स्टॉल स्टार्ट कर लिया। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा गाइस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ क्या प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं सब बताऊँगी आप लोग को। और ये प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और ये आप देख सकते हो।
गाइस कस्टमर्स बहुत आ रहे थे, मेरे पानी पूरी पूरा खत्म, ये रहा डब्बा। हाँ गाइस मेरा पानी पूरी खत्म हो गया और कस्टमर सब देख सकते हैं। वेट करिए थोड़ी देर, पानी पूरी खत्म टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी टाइम लगेगा। अभी गाइस पानी पूरी खत्म, मेरे बच्चे आज वेट करो 10 मिनट वेट। आपका नाम क्या था? हर्षिता। टेस्ट कैसा कैसा था? टेस्ट कैसा था? अच्छा था ना, मज़ा आ गया। नहीं बोल क्या था पता सब लगा रहे थे पानी की खत्म फिर हो सकता। बच्चे खाएंगे भी चना, ये सारे बच रहे थे। और हाँ गाइस, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि लास्ट टाइम भी आपने स्टॉल लगाया था, लास्ट टाइम भी आपको प्रॉफिट मिला, तो क्या करते पैसे का है नॉल। तो लास्ट टाइम की प्रॉफिट से मैंने अपनी दादी का आई ट्रीटमेंट कराया था। उनको दूर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब बुक्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ने वगैरह अच्छे से सब कुछ पढ़ लेते हैं वो सामने से, बट दूर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है उनको, थोड़ा ब्लरी दिखता है। तो उनको मैंने दिलाया चश्मा। और ये भाई कचरे का पॉलिथीन पकड़ा हुआ है, साफ कर रही हूँ मैं। और थैंक्स टू कीर्ति और अपर्णा, इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा खुद आए हुए हेल्प करने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं बहुत सब लेट पहुँची, 10 बजे से स्टार्ट था और मैं पहुँची 10:14 पे, और मेरे टेबल से ना सब कुछ गायब था। तो मैं अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मैं रो पड़ी। देन सारे बच्चे मेरे, मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो आके मतलब इतना हेल्प किया मुझे। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल अफवा मैम फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, एंड मिसेस प्रिया एंड मिसेस गुड़िया, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच इतना हेल्प करने के लिए। एंड गाइस आप लोगों को भी थैंक यू सो मच मेरे कैंट तक बने रहने के लिए। और गाइस इस बार प्रॉफिट मेरा हुआ था 9,000 एंड 1,000 मेरा इन्वेस्ट था, तो प्रॉफिट हुआ 8,000 में से जो दो बच्चों ने हेल्प किया था मुझे, उनको भी कुछ ना कुछ देना था और भाई को।